कक्षा 6 और 7। विषय है संस्कृतम, यानी कक्षा 6 और 7 विषय संस्कृत। हमारा चल रहा है प्रत्यय प्रकरणम। क्या चल रहा है? प्रत्यय प्रकरणम हमारा चल रहा है। प्रत्यय प्रकरणम में आपको बता चुका हूँ तीन प्रत्यय होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। तो हम कृत प्रत्यय पूरा कर चुके हैं, कृत प्रत्यय पूरा हो गया है, तद्धित प्रत्यय पूरा हो गया है, तद्धित प्रत्यय पूरा हो गया, यानी ये दो हम पूरा कर चुके हैं। अब हमारा तीसरा है स्त्री प्रत्यय। क्या है? स्त्री प्रत्यय, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहली बात, स्त्री प्रत्यय कहते किसे? तो इसके बारे में देखिए, कहा जाता है पुल्लिंग शब्दों को स्त्री प्रत्यय से स्त्रीलिंग में बदला जाता है, बदला जाता है, यानी पुल्लिंग शब्दों को। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, स्त्री प्रत्यय का सबसे पहला काम क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य स्त्री प्रत्यय करता है। आज स्त्री प्रत्यय के कुछ शब्द, जैसे टाप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का टाप प्रत्यय दो भेद है, टाप और डीप। तो आज टाप प्रत्यय करेंगे। टाप प्रत्यय के भी दो भेद है, एक तो टाप प्रत्यय में जिसका आ शेष रहता है, टाप प्रत्यय का आ मूल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, मूल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। टाप प्रत्यय के बारे में, टाप प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ में आ जोड़ा जाता है, ये पहला भेद है। एक ऐसा भी है कि टाप प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ में आ तो जोड़ा जाता है, उससे पहले ई और जोड़ा जाता है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आ जोड़ने वाले उदाहरण करेंगे, जैसे अज प्लस टाप, अज प्लस टाप। अब टाप का क्या शेष रहता है? आ, यानी अज शब्द में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आजा। क्या बन जाएगा? अच्छा, जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल गया। उसके बाद में अश्व प्लस टाप, टाप का क्या सेंस रह जाएगा? आ, मूल शब्द क्या है? अश्व, इसमें आ जोड़ देंगे तो क्या बन गया? अश्व। क्या बन गया? अश्व। उसके बाद में मंद प्लस टाप, मंद प्लस टाप, टाप का क्या शेष रहा? आ, टाप का क्या शेष रहा? आ, मूल शब्द क्या है? मंद, इसमें आ जोड़ दिए तो क्या बन गया? मंदा। अगला है ज्येष्ठ प्लस टाप, टाप का क्या शेष रहा? आह, मूल शब्द क्या है? ज्येष्ठ, टाप का क्या जुड़ जाएगा? आ, तो क्या बन गया? ज्येष्ठा। क्या बन गया? ज्येष्ठा। अब जैसे
कृपण प्लस टाप, टाप का क्या रहेगा एसेज आ, ठीक है। मूल शब्द क्या है कृपण, इसमें आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कृपणा, क्या हो जाएगा कृपणा। अगला है शूद्र प्लस टाप, टाप का क्या शेष रह जाएगा आ, मूल शब्द क्या है शूद्र, इसमें आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा शूद्रा, मूल शब्द क्या है शूद्र, इसमें आ जोड़ दे तो क्या हो गया शूद्रा। अगला है वत्स प्लस टाप, टाप का क्या शेष रह जाएगा आ, मूल शब्द क्या है वत्स, इसमें आ जोड़ दे तो क्या बन गया वत्सा, जोड़ दे क्या बन गया वत्सा। अब ये क्षत्रिय, क्षत्रिय प्लस टाप, टाप का शेष क्या आ रहा आ, मूल शब्द क्या है क्षत्रिय, इसमें आ जोड़ जाएगा तो क्या बन गया क्षत्रिया। इस प्रकार से टाप प्रत्यय जोड़ करके हम सरलता से उदाहरण बना सकते हैं, आप उसको समझ भी सकते हैं। आपका सबसे पहले बात है कि आज मैं आपको केवल टाप प्रत्यय के एक ही भेद बताया, टाप प्रत्यय का एक और ही भेद होता है कि मूल शब्द में टाप जोड़ा जाएगा तो टाप का आ तो जुड़ता ही है, उसके साथ में छोटी ई और जोड़ा जाता है, लेकिन वो कब, ये बातें अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इन्हीं को ध्यान से समझिए और अपने आप भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद।